इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने नू हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। विज ने कहा कि मामले में पकड़े गए लोगों से पूछताछ में सामने आया है कि ये सारा किया कांग्रेस का है। कांग्रेस विधायक मामन खान के बारे में विज ने कहा कि उन्हें पूछताछ के लिए 30 तारीख को बुलाया गया है। आगे आप भी सुनिए क्या कुछ बोले गृह मंत्री। आपने भी सदन में इसमें बताया, देखिए अभी तक की जो शुरुआती जांच है, हमने लगभग 510 लोगों को गिरफ्तार किया है और 130 या 40 हमने FIR दर्ज की है और उनसे जो पूछताछ हो रही है, जो निष्कर्ष निकल रहे हैं, अभी उनसे ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ कांग्रेस का ही करा धरा है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के एक मौजूदा विधायक मामन खान को भी पूछताछ के लिए 30 तारीख को पुलिस ने बुलाया है और भी जो लोग पकड़े गए हैं उनके भी कांग्रेस के साथ कनेक्शन है, जिन्होंने तोड़फोड़ की है या वो चलाई है, वो कांग्रेस के वर्कर हैं या पदाधिकारी हैं। और ये जो अभी तक अभी हम इसको सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां पर हिंसा हुई है, मामन खान 28, 29 या 30 तारीख को वहां पर गया है, इसने वहां पर इसके वहां प्रेजेंस है, इसने देखा वही हिंसा हुई है और इसने वहां के लोगों को, ये उनके साथ लाइव कॉन्टेक्ट में रहा है सभी जगहों पर। तो ये बहुत सारे एंगल्स है, बहुत सारी इसकी अभी बातें आ रही हैं, हम उसका बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर जांच कर रहे हैं और हम लोगों के सामने दिखाएंगे कि ये किसने मास्टरमाइंड किया था।